हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक का क्वेश्चन नंबर 1। इन द प्रोडक्ट एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप। For Q is equal to 1, V equal to 2i plus 4j plus 6k and F equal to 4i minus 20j plus 12k. So what will be the complete expression for B? B ka complete expression kya hai? सबसे पहली बात कि F equal to आपको दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और V cross B इस तरह से दिया हुआ है इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर प्लस क्रॉस बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, इस तरह से ऐसे दिया हुआ है। क्यू इक्वल टू 1 आपको दिया हुआ है और वी इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस 4j प्लस 6k कैप। फिर f इक्वल टू भी दिया हुआ है, f इक्वल टू दिया हुआ 4i माइनस 20j प्लस 12k। तो ये जो b है, b इसका एक्सप्रेशन क्या होगा ये बताना है आपको। तो सबसे पहली बात ये है कि हम क्या करते हैं कि वी क्रॉस बी को सोल्व करते हैं, क्योंकि वी क्रॉस बी हमारे पास है पहले से है। तो वी का एफ दिया हुआ है तो एफ इक्वल टू यानी वी क्रॉस बी सोल्व करते हैं, बोले वी क्रॉस बी इसको सोल्व करेंगे हम लोग, क्लियर। तो वी क्रॉस बी को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिएगा यहां पर वी है यानी 2 लिखेंगे, फिर 4 लिख पहले लिखेंगे i, फिर j कैप, फिर क्या लिखेंगे k कैप, उसके बाद v का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, उसके बाद b का वैल्यू लिखेंगे। तो b में देखिए यहाँ b है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b 0 है। सोल्व करने का तरीका है, डिटर्मिनेंट मेथड से हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर i रखते हैं, आपको पता है यहाँ पर i रखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखते हैं 4b0 और माइनस 6b ऐसे लिखते हैं, फिर माइनस यहाँ j लिखते हैं, माइनस j लिख देंगे तो इसमें इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2b0 माइनस 6b अब प्लस k कैप लिखते हैं, तो k कैप क्या लिखेंगे k कैप, तो यहाँ पर लिखेंगे 2b माइनस 4b ऐसे। ये आ गया f। अब ये f बराबर क्या होता है, f बराबर आपको मालूम है कि q और v क्रॉस b होता है। तो q इक्वल टू क्या है 1, q इज इक्वल टू 1। अब v क्रॉस b का ये वैल्यू जाए तो ये वैल्यू रखिए v क्रॉस b का, तो यहाँ पर लिखिएगा 4b0 माइनस 6b, यहाँ पर क्या हो जाएगा i माइनस यहां पर लिखेंगे क्या 2b0 माइनस 6b और यहां पर हो जाएगा j कैप प्लस 2b माइनस 4b और यहां पर हो गया k कैप, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। ये f का वैल्यू है और आपको f का वैल्यू यहां दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए और इक्वेट करिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलेंगे तो 4i बराबर ये वाला i होगा बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4b0 माइनस 6b
है ना, इज इक्वल टू 4 हो गया। यहां पर देखिए माइनस टू बी नॉट, माइनस टू बी नॉट माइनस साइन में, और माइनस 6b इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस 20 इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2b नॉट माइनस 6b इज इक्वल टू 20। फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 4 हो जाएगा, यानी 2b और माइनस 4b को घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर है क्या 12 है, तो माइनस 2b इज इक्वल टू 12 है, तो बी इज इक्वल टू क्या है माइनस 6, एक वैल्यू आ गया जो यहाँ पर b रखते हैं वो माइनस आ गया। अब हमको b नॉट निकालना है तो इसको पुट कर देंगे इसमें, इसको वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो आएगा b नॉट 4b नॉट अ माइनस, 4b नॉट अ माइनस 6 और फिर माइनस 6 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या 4b नॉट और प्लस 36 इज इक्वल टू 4, तो यह आ जाएगा 4b नॉट इज इक्वल टू 4 और माइनस 36, तो ये होगा 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4b नॉट इज इक्वल टू माइनस 32, तो b नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8, है कि नहीं, तो b यही ना है, कह रहा है कि b का वैल्यू बताना है, तो आप क्या लिखेंगे, b वेक्टर इज इक्वल टू बी आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस बी नॉट के कैप। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, अगर इसको आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखिएगा, माइनस 6 आई कैप, माइनस 6 आई कैप माइनस 6, माइनस 6 जे कैप, माइनस 6 जे कैप, और यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ भी माइनस ही है, माइनस 8 के कैप, सभी का वैल्यू रख दिए तो रिजल्ट आपको यही होना चाहिए। तो आपको सी में देखिएगा, सी ऑप्शन है जो आंसर है, सी करेक्ट ऑप्शन है, समझ में आया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी भी कह सकते हैं, है ना, इस तरह से आपको सब दिया हुआ था, ऐसे गिवन था, भी दिया हुआ था, क्यू भी दिया हुआ था, और इसका रिजल्ट जो फोर्स है वो भी दिया हुआ था। तो कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, तो यही मैग्नेटिक फील्ड है ये पूरा, तो बी का वैल्यू निकाल दीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए बी का वैल्यू, अब बी नॉट का वैल्यू यहाँ पर निकाल दीजिए, तो ऐसे ही आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा जो आई में होगा, जे में होगा, के में होगा, तो कितने अमाउंट का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फोर्स मिलेगा। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अ मेटालिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 केजी पर मीटर इज लाइंग हॉरिजेंटली ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजेंटल। The rod is not allowed to slide down by flowing current through it when the magnetic field is induced 0.25 Tesla. It's acting on it in the vertical direction. The current flowing in the rod is kept it stationary. कह रहा है कि इस तरह से इंक्लाइन प्लेन है, इस तरह से ऐसे ये 30 डिग्री से है, ओके और इसी पे एक ऐसी तरह से रॉड है ऐसे, और इसमें करंट का फ्लो हो रही है, इस पे एकदम वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। इधर कौन होगा, एमजी होगा, ये तो पता है आपको, एमजी होगा, इसके नीचे एमजी होगा, ठीक है, इसमें एक करंट का फ्लो हो रही है, किधर फ्लो हो रही है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कह रहा है कि ये रेस्ट में है, इसमें है रेस्ट में, तो रेस्ट में कैसे हो सकता है, अब आप खुद सोचिए कि रेस्ट में कैसे होगा, इधर क्या होगा, एम जी साइन 30 होगा, ये तो कन्फर्म, ये जानते हैं कंपोनेंट, ये एम जी है, इसका कंपोनेंट टूटेगा ना इस तरह से, ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, है ना,
इस तरह से अगर कंपोनेंट तोड़े हैं तो ये क्या होगा, एम जी कॉस 30 हो जाएगा, और ये हैगा ना 30, तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इधर फोर्स लग रहा होगा तभी ये स्टेशनरी में है। तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स वो क्या होगा, इस बी पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ये कितना होता है, आई एल और बी परपेंडिकुलर होगा, आई एल बी किस पर परपेंडिकुलर होगा, बी पे। तो ये भी कितना है, ये 30 डिग्री है कि नहीं, ये 30 डिग्री होगा। तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ आ जाएगा, इधर आएगा, जिसका नाम होगा आई एल बी अकॉस 30 डिग्री। ये समझ में आया। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस का फोर्स। तो नाउ रॉड रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। रॉड क्या है, रुका हुआ है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एम जी साइन 30 डिग्री, एम जी साइन 30 डिग्री माइनस आई एल बी कॉस 30 डिग्री इक्वल टू जीरो। कोई डाउट यहां तक, तो कोई डाउट नहीं है। हमको निकालना है करंट, करंट निकालना था। यहां पर लिखेंगे क्या, एम जी साइन 30 इज इक्वल टू आई और एल बी कॉस 30, आई इक्वल टू एम जी साइन 30 डिवाइडेड बटे एल बी, और यहां पर हो गया कॉस 30। तो इसको लिखेंगे एम बटे एल इजिकल इंटू जी बटे बी, यहाँ पर लिखेंगे क्या, टेन 30। एम बटे एल का वैल्यू दिया हुआ, देखो ना क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। एम बटे एल आपको दिया हुआ है कितना, 0.5 kg दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बच्चों, 0.5 kg, यानी 0.5 kg पर मीटर, इस तरह से दिया हुआ है। ओके इतना दे दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है आपको, 0. बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 टेस्ला। ओके अब यहां पर पुट करते हैं, यहां पर अगर हम पुट करें तो क्या मिलेगा, जरा देखिएगा। यहां पर हो गया 0.5 × 9.8 × 1√3 डिवाइडेड बटे बी 0.25। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको मिलेगा 9.8 डिवाइडेड बटे 0.5 इंटू 1√3। इसको सोल्व करेंगे तो आपको आएगा 11.32 एम्पियर, यही हो गया आंसर। और ऑप्शन देखेंगे तो आपको डी मिलेगा, यानी इसका डी ऑप्शन जो है वो है आपको करेक्ट। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इधर डिवाइड कर देते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इस तरह से कुछ वैल्यूज होती है आपको पता है। व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, इट स्टार्ट्स विथ इनिशियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ए नॉट, टुवर्ड्स ए नॉट ईस्ट की तरफ जा रहा है, सॉरी वेस्ट की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन है। व्हेन इट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विथ स्पीड वी नॉट, वी नॉट नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जा कहाँ रहा है बच्चों, वो जा रहा है एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट। तो इसमें क्या है कि प्रोटॉन है तो एफ बराबर क्या होगा, एम इंटू ए होगा, बिल्कुल एक्सेलरेशन ए नॉट है, और एफ बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई होगा। तो एफ बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ई क्यू, क्यू का मतलब क्या होगा, ई इंटू ई। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में पहला केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ई इंटू ई इज इक्वल टू एम इक्वल टू ए नॉट,
तो ई इज इक्वल टू एम ए नॉट डिवाइडेड बटे कितना ई, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा जो कंडीशन है उसमें निकालना आपको मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा केस जो है सवाल का, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विथ स्पीड वी नॉट, इट मूव्स विथ इनिशियल एक्सेलरेशन 3a0 टुवर्ड्स वेस्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में मैग्नेटिक फील्ड, फिर f बराबर क्या होगा 3ma0, ओके, और f बराबर क्या होगा e इंटू e, तो यहाँ पर हो गया परपेंडिकुलर है ना, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो f बराबर जो हो गया वो हो गया q v और b, ये वाली बात हो गई, तो e हो गया और v हो गया, हाँ v नॉट है इंटू b, और f बराबर क्या हो जाएगा 3ma0, 3ma0 का मतलब हुआ m इंटू 3a0, तो e v नॉट b इज इक्वल टू 3ma0, तो b इज इक्वल टू जो हो गया 3ma0 डिवाइडेड बटे 3ma0 डिवाइडेड बटे e इंटू बी, सॉरी आपको b निकालना है, तो e इंटू वी नॉट, तो ये जाएगा किधर, ये जाएगा वेस्ट में, ये जाएगा ईस्ट में, और ये जाएगा ऑफ, ये कहां जाएगा बच्चों ऑफ। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन अगर देखा जाए तो ए होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी अ करेंट एंड प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड 2×10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 cm फ्रॉम द वायर, एन इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड एट 5 cm फ्रॉम द वायर मूव्स विथ द वेलोसिटी 10⁷ ms टुवर्ड्स द वायर एलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू इट, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई द इलेक्ट्रॉन विल बी, चार्ज दिया हुआ है, सबसे पहली बात कि बी दिया हुआ है आपको 2×10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर कहिए या टेस्ला कहिए बात देखिए, ओके, और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो डी दिया हुआ है आपको, या आर कहिए, आर दिया हुआ है 5 cm, और वहीं पे इलेक्ट्रॉन भी क्या है सिचुएटेड है, भी इज इक्वल टू दिया हुआ है 10⁷ ms, और जो क्यू है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम दिया हुआ है, तो कह रहा है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, देखिए इस तरह से एक वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें कोई करंट इस तरह से मान सकते हैं, इसमें करंट आई फ्लो कर रही होगी, और यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, तो करंट के डायरेक्शन में क्या होता है थंब का डायरेक्शन है ना, और फिंगर क्या बताती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो क्रॉस होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज इनसाइड होगा, समझ में आया, इसका क्या मतलब हुआ कि बी जो है वो बी पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो फोर्स कैसे निकलेगा बच्चों, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, यही होगा, क्यू का वैल्यू है 19 है,
और बी का वैल्यूज है 2 × 10⁻⁴ है, और वी का वैल्यू है 10⁷ × 1, यही है आपको, तो 3.2 है, और ये हो जाएगा 3, यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 और ये हो गया कितना 17, −17 न्यूटन। डायरेक्शन नहीं पूछा है, इसीलिए हम डायरेक्शन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो सॉरी, यहाँ पर होगा 3 होगा, 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 19, मतलब कि 16 होगा, इतना होगा न्यूटन, यही आंसर होगा। और ऑप्शन देखा जाए तो बी है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन अ सर्टेन रीजन। फुल स्टॉप। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन अ रीजन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, देन इलेक्ट्रॉन विल बी। कह रहे कि इधरे क्या है, इधरे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और इधर ही है मैग्नेटिक फील्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा देते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जा रहा है, इधर ही रिलीज किया जा रहा है। तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स वो क्या होगा, वो हो जाएगा क्यू और वी क्रॉस बी होगा। तो यहाँ पर होगा क्यू वी बी और साइन कितना 0°। तो साइन 0 को वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 0, तो ये बी जो वेक्टर है वो कितना हो गया 0 हो गया, एफ बी वेक्टर क्या हो गया 0 हो गया, क्लियर है, एफ बी 0 हो जाएगा। तो कौन बच जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एफ इंटू ई इज इक्वल टू माइनस ई, यहाँ पर क्या हो गया इस तरह से लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एफ जो ई है इलेक्ट्रिक फोर्स उसको ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस आई कैप चार्ज पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स प्लस एक्स, एंड फोर्स जो है फोर्स अलोंग माइनस एक्स, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को रखते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, देखो इसमें फोर्स अपोजिट में लगेगा, सो स्पीड डिक्रीज करेगी, स्पीड क्या करेगी डिक्रीज करेगी, और फाइनली क्या कर जाएगी रुक जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, चार्ज निगेटिव है। तो ऑप्शन ए में है विल टर्न टूवर्ड्स राइट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन स्पीड विल डिक्रीज, तो ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन, क्लियर। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज −2 µC इन अ मैग्नेटिक फील्ड 2 Tesla एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी, दिया हुआ आपको। तो इसमें है कि आपको चार्ज दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू दिया हुआ बच्चों −2 µC −2 × 10⁻⁶ coulomb, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया हुआ है आपको वाई डायरेक्शन में 2 Tesla, और यहाँ पर दिया हुआ है जे कैप, क्लियर। वेलोसिटी दिया हुआ है वी वेक्टर, और ये है आपको 2i cap + 3j cap × 10⁶ m/s −1। तो आपको बताना है कि फोर्स किधर लगेगा और उसके डायरेक्शन भी बताना है। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर, ऐसे होगा।
तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स, माइनस टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स। और वी क्रॉस बी, तो वी कितना है, देखो भाई वी है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप क्रॉस बी, बी है आपको टू और जे कैप। तो इसको यहां पर रख रहे 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 और i क्रॉस j, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू टू सिक्स और j क्रॉस j ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स, और यहाँ पर क्या हो गया 4 इंटू i क्रॉस j, तो 4 क्या हो जाएगा k और 6 इंटू क्या हो गया जीरो, माइनस टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू फोर, और फिर क्या होगा के कैप, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस एट इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स, और यहाँ पर लिखेंगे क्या के कैप। तो एफ इज इक्वल टू, तो एफ इक्वल टू जो हुआ एफ इक्वल टू वो लिखेंगे एट इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स, सॉरी यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 10 टू द पावर 6 भी है, देख रहे हैं ना, तो आप क्या करिए ना बाहर कर दीजिए 10 टू द पावर 6 को, कोई दिक्कत नहीं है, 10 टू द पावर 6 आप बाहर कर सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर 6 कर दीजिए, यहाँ पर भी कर दीजिए 10 टू द पावर 6, और यहाँ पर भी कर दीजिए 10 टू द पावर 6, यहाँ भी रखिए 10 टू द पावर 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब हटा दीजिए क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 8 न्यूटन along negative z axis, या इस तरह से लिख सकते हैं ओर और माइनस k कैप की तरफ, यही हो गया आंसर। और ऑप्शन है 8, सॉरी 8 बोल रहे, ऑप्शन ऑप्शन है d, नेगेटिव z एक्सिस में है ये नेगेटिव जेड, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विथ वेलोसिटी वी वेक्टर दिया हुआ है इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी वेक्टर, द फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट, देखो भाई कह रहा है कि आपको वी वेक्टर भी दिया हुआ है और बी वेक्टर भी दिया हुआ है, और कह रहा है कि एफ जो वेक्टर है वो नॉट इक्वल टू जीरो है ना। तो सबसे पहली बात कि एफ जो वेक्टर होता है वो क्यू होता है और वी वेक्टर होता है क्रॉस बी वेक्टर होता है, इसको देखा जाए तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पर एक ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर, अब थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री अगर हो तो एफ क्या हो जाएगा जीरो होगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये दो कंडीशन पर फोर्स क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, दो कंडीशन पर फोर्स जीरो हो रहा है, अदरवाइज कोई भी एंगल लीजिए थीटा ग्रेटर देन जीरो लीजिए, थीटा ग्रेटर देन जीरो लीजिए और थीटा लेस देन 180 लीजिए, इसको छोड़ दिया जाए, मतलब कि जीरो डिग्री को छोड़ दिया जाए और 180 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक पर फोर्स जो होगा वो नॉन जीरो होगा, बस समझे। तो कह रहा है कि फोर्स जो होगा नॉन जीरो होगा वो एंगल बिटवीन आइदर जीरो और 180, एक में ये कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि एंगल बिटवीन नेसेसरली 90 पर कह रहा है कि जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, सी में कह रहा है कि एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90, मतलब कि 90 को छोड़ दिया जाए तो किसी भी वैल्यू पर मैंने जीरो नहीं होगा, ये गलत है। और इसमें है आपको डी, और डी में है कि एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन जीरो और 180, ये सही है, यानी 7 का डी सही है, मतलब कि जीरो डिग्री और 180 डिग्री छोड़कर कोई भी वैल्यू पर
फोर्स जो होगा वो नॉन जीरो होगा। तो ये आपको पता है थीटा बराबर जीवी पर मैंने फोर्स क्यों कर दिया जीरो, ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। डी इसका आंसर। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी अ करेंट आई एट अ इंस्टेंट व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी हैज वेलोसिटी वी एज ऑन द फोर्स ऑन द चार्ज। डायरेक्शन के साथ आपको बताना है। पहली बात कि इधर करंट है, ठीक है, करंट आई करंट इधर है और बहुत बड़ा वायर है इस तरह से होगा, और यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल इस दिशा में जा रही है, ये पी है। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कौन है, क्यू, क्यू चार्ज पार्टिकल है। तो इधर नाम दिया गया है वाई, डायरेक्शन के लिए दिया गया है वाई, इधर नाम दिया गया है एक्स, यहां दिया गया है ओ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो फोर्स आपको बताना है और विथ डायरेक्शन के साथ बताना है कि फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड आप बताइए। तो यहां से इस तरह से आप ऐसे लेते हैं तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस होगा, आपको पता है ना, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन टू द पेज होगा, है ना। और इसको आप मान लीजिए डी डिस्टेंस मान लीजिए, तो आप पढ़े होंगे बी बराबर म्यू जीरो आई टू पाई डी। अब वेक्टर लगाइए तो यहां पर क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं। तो स्ट्रेट है तो इस तरह से जाएगा, तो अंदर की तरफ चला जाएगा, है ना। तो यहां पर होगा माइनस माइनस के अंदर, और यहां पे चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर भाग रही है। वेलोसिटी v इक्वल टू क्या लिखेंगे, v और i कैप लिख देंगे। b मिल गया, q से कोई मतलब नहीं रहता डायरेक्शन से, तो f वेक्टर बराबर क्या होगा, q और v क्रॉस b। क्लियर है, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों q, v को लिखेंगे v i कैप क्रॉस म्यू जीरो आई डिवाइडेड बटे टू अपाई डी और माइनस के कैप। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू नॉट आई क्यू भी डिवाइडेड बटे टू अपाई डी, और क्या लिखेंगे, आई वेक्टर क्रॉस माइनस के वेक्टर। तो यहाँ पर हो गया क्या, म्यू नॉट आई q इंटू वी डिवाइडेड बटे टू पाई डी और i क्रॉस k, i के बाद जे आता है तो यहाँ पर i के बाद k आ रहा है तो उल्टा आ रहा है, तो i क्रॉस जो k होता है i अक्रॉस k ये होता है माइनस जे। अब पहले से ही एक जे है तो ये हो गया माइनस जे, अब पहले से एक यहां पर के है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का मतलब हो गया फोर्स कहां लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन या ओ वाई। तो फोर्स किधर होगा, ओ वाई, मतलब आंसर होगा ए। कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, अ चार्ज Q moves in a region where electric field and magnetic field both exist, then force. Electric field भी हो और magnetic field भी हो और कोई चार्ज पार्टिकल हो Q कोई चार्ज हो, तो जो फोर्स होता है उसको लॉरेंट फोर्स बोलते हैं, F इलेक्ट्रिक फोर्स और प्लस F मैग्नेटिक फोर्स, इसको बोलते हैं लॉरेंट फोर्स, लॉरेंज फोर्स या टोटल फोर्स, या टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स का वैल्यू कितना होगा बच्चों, एफ एल वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से होगा। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन आपके पास है, यही आंसर होगा बी। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ,
तो टेस्ला जो है ना, टेस्ला जो यूनिट है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। टेस्ला, टी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, इसे एफ इज इक्वल टू लिखते हैं क्यू वी बी लिखते हैं। तो बी को क्या लिखते हैं, एफ डिवाइडेड बटे क्यू और फिर वी। इसको लिखते हैं न्यूटन, इसको लिखते हैं कूलम्ब, इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड, कूलम्ब मीटर, इसको हम लोग टेस्ला लिखते हैं। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया। ओके, तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी होगा। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का 10 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और करेंट से रिलेटेड ही चैप्टर है, तो हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन बैंक को करते जा रहे हैं। एग्जाम के पहले इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे, बहुत पहले ख़त्म कर लेंगे और रिविजन भी कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।